नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है शाराना यूट्यूब चैनल और हमारे जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं जीके के क्वेश्चनों के बारे में। अभी तक जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, इसे सब्सक्राइब कर लें और बाजू में घंटी का चिन्ह आएगा इसको भी दबा लें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो मिस ना हो पाएँ। तो दोस्तों सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहें क्योंकि ये जीके के लूसेंट की बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और यह लूसेंट के 1000 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। तो आप हमारे जीके मैथ एजुकेशन पे जाकर के पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो सीधा मैं पॉइंट पर आता हूँ। 105वां क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। तो ये थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम में है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा के किनारे बसा हुआ है। नीम में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालु है? चांदी। तो इसे आप बोल सकते हैं नीम में से चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालुक है। और गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मिथेन। तो यह गोबर गैस में मिथेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका आप देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक ने बोला था ऐसा। तो अगला क्वेश्चन फिर मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन, राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी हिंदी की लिपि है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की के, इस पर आप टिक कर सकते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्दत मारदंड, तो इस पर आप टिक कर लीजिए। और तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, अवधि में लिखी गई है? हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस जी हैं। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेन यूनान में हुई थी और यह आपके 1896 में हुई थी। अगले क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन ये आपका, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? हॉकी में। तो हॉकी पर आप टिक कर सकते हैं, इसे आप हॉकी पे क्लिक कर लीजिए। आप हॉकी पे इसके क्लिक कर सकते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहाँ जीता? 1980 में मास्को में जीता। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह आपका लूशन स्विट्जरलैंड में है। और सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो यहाँ पर आप 5 गोले लगा सकते हैं। और एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टोक्यो जापान में होने वाले हैं। और फिर मैं अगला क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो मैं आपको अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, भारत में ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णमक और मलेश्वरी है। बैक टू दी बैट्स बदो की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने दिया था। इस पर आप टिक कर लीजिए। और प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम लाल गुप्ता प्रसाद ने की थी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और इस वीडियो को शेयर करें। आपकी जो भी कमेंट्स है, आपको कुछ सवाल पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और हमारी वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, फिर से नमस्कार।